गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास टीवाईबी कॉम एंड एम कॉम, सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग। इस टॉपिक का हम आज सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सा आज अपन दोन नंबर सा प्रॉब्लम सॉल्व करना आहोत। हा जो टॉप प्रॉब्लम आहे हा कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टच्या अंडर येतो। तर तो सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीसाठी टीवायबी कॉम आणि एम कॉम या दोन वर्गांमध्ये आहे, अदर युनिव्हर्सिटीजसाठी पण असू शकतो। ये जो प्रॉब्लेम है ये मैंने सेकंड प्रॉब्लेम जो है वो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। सेकंड प्रॉब्लम वहां पर भी सेकंड नंबर को ही है। अभी जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो ओवरहेड्स है वो ज्यादा दिए गए हैं। फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ भारत लिमिटेड बारामती फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी दो ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। एंड डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन के अंडर थ्री सब डिपार्टमेंट है ए बी सी, सर्विस के अंडर दो सब डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। तो इनके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है वो दिया गया है, इनडायरेक्ट लेबर कितने हैं वो दिए गए हैं। अभी जो इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर है वो ईच डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट दिए गए हैं, तो एज इट इज वो लेंगे हम, उसके लिए कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर 20,000 रुपीज, तो लाइट जो होती है वो हमें किलोवाट हावर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो किलोवाट आवर जो है उसके लिए यहाँ पर किलोवाट आवर्स दिए गए हैं, उसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 6,000, 5,000, देन 4,500, 2,500 एंड 2,000, इसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और इस रेशियो में हम लाइटिंग हीटिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपन लाइटिंग हीटिंग आणि पावर जे आहे ते किलोवाट आवर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत। इथे किलोवाट आवर्स दिलेले आहेत, तर त्याचा आपण रेशो कॅल्क्युलेट करणार आणि त्या रेशो मध्ये आपण देणार आहोत। नेक्स्ट आहे रेंट रेट्स अँड टॅक्सेस 8,000। नेक्स्ट है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस ये हम जो एरिया होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एरिया ऑक्यूपाइड यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर फीट में 3,000, 2,000, 1,000, 1,500 एंड 500, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेंट रेट टैक्सेस अपन एरिया मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत। इथे एरिया दिलेला आहे स्क्वेअर फीट मध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटचा, त्याचा रेशियो आपण कैलकुलेट करणार आहोत। नेक्स्ट आहे स्टाफ वेलफेअर चार्जेस। ये जो स्टाफ वेलफेअर चार्जेस है, स्टाफ स्टाफ मीन्स एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई जितने हैं उसके रेशियो में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं उसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। स्टाफ वेलफेयर चार्जेस अपन एम्प्लॉईचा रेशियो काढणार, त्यामध्ये देणार आहोत। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीनरी दी गई है उसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर एज इट इज लेंगे, और बाकी के जो चार ओवरहेड्स है वो हम यहाँ पर दिए गए रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आपका जो रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बाय कंसिडरिंग मोस्ट सुटेबल बेसिस। तो बेसिस हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिए है, अभी सॉल्यूशन लीजिए। इन द बुक्स ऑफ भारती लिमिटेड, सॉरी भारत लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2019, कॉलम कीजिए पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, देन रेशो, देन टोटल, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर तीन डिपार्टमेंट है ए बी एंड सी, एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर दो डिपार्टमेंट है। एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट हम लेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल टोटल है 27,000। ये टोटल कहाँ से आई, हमने इसकी टोटल कर दी, ये एज इट इज लेने हैं, ऐसे दिए गए हैं वैसे के वैसे हम लेंगे।
अपन ते एज इट इज घेतोय 7300, 4850, 2400, 8300, 4150. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर, वो भी एज इट इज लेने हैं जैसे दिए गए वैसे ही. इनडायरेक्ट लेबर बेसिस में एक्चुअल टोटल 18,000, 4,700, 2,650, 3,800, 4,250, 2,600. नेक्स्ट है लाइटिंग हीटिंग एंड पावर, ये हम किलोवाट हावर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो इसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम पहले 0 0 कैंसिल करेंगे 2 2, तो 60, 50, 45, 25 एंड 20. तो इसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं. कॉमन नंबर जो है वो 5 है, जिससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. 60, 50, 45, 25 आणि 20 याला आपण 5 ने भाग देऊ शकतो. तर 5 ने भाग देऊन आफ्टर डिवाइडेड बाय 5 रेशियो आया है 12:10:9:5:4. तो लाइटिंग हीटिंग एंड पावर हम किलो वैट हावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका रेशियो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है. तो टोटल अमाउंट है 20,000. 20,000 को हम इसकी टोटल करके उससे डिवाइड करेंगे. 12:10:9:5:4 डिवाइड करके एक जो शेयर है वो आया है 500 का. तो 500 × 12 6,000, 500 × 10 5,000, 500 × 9 4,500, 500 × 5 2,500 and 500 × 4 2,000. अपन किलोवॅट आवर मध्ये लाइटिंग हीटिंग पॉवर डिस्ट्रीब्यूट केलं, 12, 10, 9, 5, 4 रेशो आला. टोटल 20,000 आहे ते या रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले. नेक्स्ट है रेंट रेट एंड टैक्सेस 8,000, वो हम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो एरिया का जो रेशियो है इसके लिए फिर हम कॉमन 2 2 0 कैंसिल करेंगे. 30, 20, 10, 15 एंड 5 इसको 5 से डिवाइड करेंगे. आफ्टर डिवाइडेशन डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आया है रेशियो 6:4:2:1, 6:4:2:3:1. तो रेंट रेट टैक्सेस इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 8,000 को हम इसकी टोटल करके. तो टोटल आती है 16. तो 16 से 8,000 को डिवाइड करेंगे. वन शेयर है जो वो 500 का आया है. तो 500 × 6, 500 × 4, 500 × 2, 500 × 3 एंड 500 × 1. इस तरह से डिवाइड करके 3,200, 2,000, 1,000, 1,500 एंड 500. रेंट रेंट एंड टैक्सेस अपन 6, 4, 3, 2, 3, 1 या रेशियो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले. नेक्स्ट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस. तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 0 0 कैंसिल किया है. रेशियो आया है 8:10:6:13 एंड 3. 8:10:6:13:3. तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 10,000 है. 10,000 को हमने रेशियो की टोटल से डिवाइड किया एंड हर एक को कितना आया 2,000, 2,500, 1,500, 3,250 एंड 750. 250 का एक शेयर आया था. तो कैलकुलेशन करने के बाद ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए. अपन नंबर ऑफ एम्प्लॉईजच्या रेशियो मध्ये स्टाफ वेलफेअर चार्जेस जे होते 10,000 रुपये ते डिस्ट्रीब्यूट केले. नेक्स्ट आहे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. वैल्यू ऑफ मशीनरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डेप्रिसिएशन जो है वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए हमने 330 जो है वो कैंसिल किए हैं और उसके बाद फिर 2 2 से डिवाइड करते करते इस तरह से इसका रेशियो आया है 2 से डिवाइड करके 50:25:39:31:5. तो इस रेशियो में हम ये 30,000 जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिपार्टमेंट ए को 10,000, बी को 5,000, सी को 7,800, एक्स को 6,200 एंड वाई को 1,000. एक शेयर 200 का आया था. अपन वैल्यू ऑफ मशीनरी मध्ये डेप्रिसिएशन सर्व डिपार्टमेंटला डिस्ट्रीब्यूट केलं. अभी टोटल करनी है. टोटल कॉलम की टोटल 1,13,000. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की टोटल 33,000. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी की टोटल 22,000. प्रोडक्शन
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी की टोटल 21,000 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स की टोटल 26,000, लास्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई की टोटल 11,000। इस तरह से हमारा जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया गया था और ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।